नमस्कार, मैं सुरेंद्र जयपाल बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड के चौथी यूनिट के अंदर अपन ने फूड प्लांट्स के अंदर वीट के बारे में पढ़ा था, और उसमें अपन ने वीट के ओरिजिन, बॉटनिकल कैरेक्टर, कल्टीवेशन, क्लाइमेट कंडीशन, यूजेज और उनकी वेराइटीज और उनके अंदर जो पाए जाने वाली डिजीज हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन का जो नेक्स्ट फूड प्लांट्स या फूड क्रॉप्स हैं, जो राइस, धान या चावल हैं, तो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो राइस होता है उसका बॉटनिकल नेम, तो राइस का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी या ग्रेमिनी है, और इसका जो वर्नेक्यूलर नेम या देसी नाम है जिसको अपन पेडी या राइस बोलते हैं। राइस की उत्पत्ति के बारे में अगर पढ़ें तो राइस की उत्पत्ति चीन में मानी गई है, जो किसके अकॉर्डिंग है, चीनी साहित्य के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का केंद्र भारत को भी माना गया। किसके अकॉर्डिंग, सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। इसके अलावा डी कंडोले जो एक साइंटिस्ट हैं थे, उन्होंने भी चावल की उत्पत्ति भारत में मानी थी, और उन्होंने बताया कि चावल की अनेक जंगली जातियां हैं जो भारत के अंदर पाई जाती हैं, उनमें से उनके कुछ नाम हैं ओराइजा रूफी फॉगोन एंड ओराइजा निवेरा। अब अपन चावल के जो उत्पादक देश हैं उनके बारे में पढ़ें, तो वर्ल्ड का टोटल यानी कि वर्ल्ड का टोटल राइस के प्रोडक्शन का 90% जो उत्पादन है वो चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, बर्मा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका से प्राप्त होता है। तो वर्ल्ड में जो चावल के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है चीन और द्वितीय स्थान पर है भारत। पूरे वर्ल्ड का 28% भाग पर चावल का उत्पादन है जो भारत के अंदर होता है, और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम, एमपी एंड यूपी राज्यों में होता है। राजस्थान के अंदर चावल की खेती श्रीगंगानगर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बारा में की जाती है। अगर अपन चावल के बॉटनिकल कैरेक्टर देखें तो चावल का जो प्लांट होता है वो एक शाकीय वार्षिक पादप है, जिसकी हाइट है जो 50 से 150 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। गेहूं की तरह इसके अंदर भी तल शाखन या टिल्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण इसके प्लांट्स हैं जो गुच्छे में दिखाई देते हैं, और जो इनकी तने की आधारीय पर्व संधि होती है उससे एडवेंटेटियस फाइब्रस रूट निकलती हैं, और इनके अंदर जो लीफ होती है वो प्रत्येक पर्व संधि पर एक एक उपस्थित होती है। इसका मतलब होता है इनके अंदर लीफ है जो एकांतर क्रम में विन्यासित रहती है, और जो प्रत्येक लीफ होती है वो पर्णाच्छद यानी कि लीफ शीट, पर्ण फलक यानी कि लैमिना, लिक्यूल व ओरिकल में विभेदित होता है। लिक्यूल क्या होता है, तो लिक्यूल के बारे में भी कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है। तो लिक्यूल एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो पर्णाच्छद और पर्ण फलक के संधि स्थल पर यानी कि पर्णाच्छद और पर्ण फलक जहां से जुड़े रहते हैं वहां पर एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं लिग्यूल। जो पर्णाच्छद होता है वो तने के पर को घेरे रहता है। अगर अपन चावल के प्लांट का डायग्राम देखें तो इसकी जो बेसल पर्व संधि होती है उससे एडवेंटेटियस रूट्स निकलती हैं। इसके अलावा ये नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है, और इसके जो मुख्य स्टेम होता है उसके आधार पर स्थित जो प्रथम लीफ होती है या फर्स्ट लीफ होती है वो रूडिमेंट्री होती है, जिसे अपन प्रोफेलिक्स बोलते हैं। अगर अपन लीफ की स्ट्रक्चर देखें तो
ये लीफ शीट है और ये लेमिना है। तो इसके जो जॉइंटेड पार्ट पर एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन लिग्यूल बोलते हैं, और लिग्यूल के जस्ट नीचे है जो ऑरिकल प्रेजेंट होता है। अगर चावल के अंदर इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की बात करें तो इसके अंदर पेनिकल्स ऑफ स्पाइकिलेट्स या अंतःस्थ यौगिक असीमक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके अंदर जो स्पाइक इकाएं होती हैं वो सिंगल होती हैं, और इन स्पाइक इकाओं में केवल एक ही पुष्प होता है। जबकि अपन ने गेहूं के अंदर पढ़ा था कि जो प्रत्येक स्पाइक इकाई होती है उसके अंदर 1 से 5 फ्लोवर होते हैं। अगर इनके पुष्प के अंदर देखें तो इसके पुष्प के अंदर 6 पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं जो 2 चक्रों में अरेंजमेंट रहते हैं। इनके फल को कैरियोप्सिस बोलते हैं जो एक बीजीय होता है। अगर चावल के साथ में छिलका प्रेजेंट होता है तो छिलके युक्त चावल को अपन बोलते हैं दान या पैडी बोलते हैं, और छिलका रहित जो सफेद या हल्के पीले रंग का दाना होता है या अन्नकण होता है उसको अपन चावल बोलते हैं। चावल का जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक यानी कि भ्रूण पोषी होता है, और सीड के अंदर जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है उसमें से 78% स्टार्च होता है। प्रोटीन है जो इसके अंदर 77.5% होता है। लिपिड्स हैं जो इसके अंदर यानी कि वसा या फैट्स हैं जो इसके अंदर 1.8% होते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। चावल की खेती यानी कि कल्टीवेशन और उसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो चावल का प्लांट होता है या चावल की जो फसल होती है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का जो टेम्परेचर होता है वो 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब धान की फसल की कटाई की जाती है तो कटाई के समय के आधार पर चावल की फसलें जो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है शरद चावल या विंटर राइस, दूसरा होता है ऑटमन राइस यानी कि ग्रीष्मकालीन चावल, और तीसरा होता है बसंत चावल या स्प्रिंग राइस। शीतकालीन चावल को अमान के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है और इसकी जो कटाई है वो नवंबर दिसंबर में की जाती है। शीतकालीन चावल का जो लाइफ साइकिल होता है वो 140 से 160 डेज होता है, और इस प्रकार के चावल की खेती है जो निम्न क्षेत्रों या लो लैंड्स में की जाती है। सेकंड टाइप का जो चावल है वो है ग्रीष्मकालीन चावल या ऑटमन राइस, जिसे ऑस भी बोलते हैं, और इसकी बुआई है जो मई जून में की जाती है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसका लाइफ साइकिल है जो 90 से 120 दिन का होता है, और इसकी जो खेती है वो ऊपरी भूमि क्षेत्रों में या हाईलैंड्स में की जाती है। तीसरे टाइप का जो चावल है वो है बसंत चावल या स्प्रिंग राइस, जिसको अपन बोरो भी बोलते हैं। इसकी बुआई है जो दिसंबर जनवरी में की जाती है और कटाई है जो इसकी मार्च अप्रैल में की जाती है, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 90 से 120 दिन की होती है। भारत में चावल की खेती 2 विधियों से की जाती है। नंबर 1 शुष्क कृषि या ड्राई कल्टीवेशन। इस प्रकार की विधि के अंतर्गत चावल को शुष्क भूमि या अनाज की फसलों की तरह बोया जाता है, और इस विधि के अंदर बीजों को बिखेर कर या चौप कर उगाया जाता है। दूसरी जो विधि होती है वो है आर्द्र कृषि या वेट कल्टीवेशन। इस प्रकार की विधि के अंतर्गत चावल के प्लांट को पानी की पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। चावल का जो प्लांट होता है उसको बुआई से लेकर कटाई तक जलमग्न रखा जाता है। अब चावल की बुआई के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, तो चावल की बुआई के लिए सबसे पहले खेत को जोता जाता है, और जोतने के बाद में उसके अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर लेयर वाटर भर दिया जाता है। फिर उसकी वापस 4 से 5 बार जुताई की जाती है।
फिर जो चावल के सीड होते हैं उनको अलग क्यारियों के अंदर वाटर की सरफेस पर जर्मिनेट करवाया जाता है। जर्मिनेट होने के बाद में जब सीड की हाइट 9 से 10 इंच लंबी हो जाती है, सॉरी, जब चावल का प्लांट है जो 9 से 10 इंच लंबा पादप बन जाता है, तो उस पादप को जलमग्न खेतों के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और 5-6 प्लांट को एक साथ कतार में रोपा जाता है और प्रत्येक प्लांट के बीच की दूरी है जो 20 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और प्लांट के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच की दूरी है जो 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। चावल की खेती के लिए अपन देसी खाद यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश भी है जो यूज कर सकते हैं, जो चावल की खेती की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। चावल की कटाई है जो चावल का प्लांट ड्राई हो जाता है कंप्लीटली और बालियां सूख जाती हैं और बालियां पकने के बाद में जो चावल की कटाई की जाती है। कटाई के बाद में चावल की थ्रेसिंग होती है, तो थ्रेसिंग है जो किसानों के द्वारा चावल के प्लांट को पीट पीट कर भी की जाती है या फिर इसको मशीनों के द्वारा किया जाता है। थ्रेसिंग के अंदर भूसा और चावल को अलग अलग कर लिया जाता है। जो भूसा होता है उसको ब्रान या चोकर भी बोलते हैं, जिसका यूज पशु आहार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो अपन का वीडियो नेक्स्ट जो अपन का टॉपिक है उसके अंदर अपन चावल की जो प्रमुख उन्नत किस्में हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल वर्ल्ड के अंदर जो चावल की वैरायटीज है वो 8,000 से भी ज्यादा है और इंडिया के अंदर जो चावल की वैरायटीज हैं वो 4,000 है। और इंडिया के अंदर चावल की वैरायटीज जो कटक के अंदर जो कटक है जो ओडिशा में आया हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम है CRRI। CRRI का पूरा नाम है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। वहां पर उन्नत किस्में डेवलप की जाती हैं जो रोग प्रतिरोधी होती हैं, अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेवलप की गई किस्में हैं उनमें से हैं बाला, जमुना, सोना, जयंती, कृष्णा, रत्ना, जया, साबरमती, IR 8 एंड IR 20 जो राइस की मेन वेराइटीज हैं। राजस्थान के अंदर जो राइस की वेराइटीज बोई जाती हैं उसमें चंबल, खुशबू, कस्तूरी, BK 190, BK 79, माही, सुगंधा, पूसा 221, जया और रत्ना है। अब चावल के जो यूजेस क्या क्या है, तो चावल का उपयोग जो खाद्यान्न के रूप में होता है और इसको उबाल कर खाया जाता है। इसके अंदर ग्लूटेनिन एब्सेंट होने के कारण इसकी चपाती नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो चावल का यूज होता है स्टार्च, एल्कोहल और कपड़ा उद्योग और प्रसाधन सामग्री उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा चावल से अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे इडली, डोसा, उपमा, पुलाव, खीर इत्यादि बनाई जाती हैं। इसके अलावा चावल से डेक्सट्रिन, ग्लूकोज एडहेसिव भी बनाया जाता है। इसके ब्रोन या भूसी को पशु आहार के रूप में लिया जाता है और इसके जो सूखे तने होते हैं उनसे चटाई, थैले बनाए जाते हैं और कागज उद्योग में भी ये उपयोगी होते हैं। अब चावल के अंदर जो मैन कौन कौन सी डिजीज होती हैं, तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जिसके पैथोजन का नाम है जेंटोमोनाइज और आईजी। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज है वो टुंग्रो डिजीज जो टुंग्रो वायरस के कारण होती है, ब्लास्ट डिजीज है जो प्रिकुलेरिया और आईजी के कारण होती है। तो ये जो इन्फेक्टेड जो प्लांट होते हैं उनको जला दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स पेस्ट भी होते हैं जो चावल को रोग युक्त कर देते हैं। तो इसमें जो इंसेक्ट इंसेक्ट पेस्ट है स्टेम बोरर जिसका नाम है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस,
इसके अलावा जो पैडी ग्रास ऑफर है जिसका नाम है हीरोग्लाइफस बनियान, ये जो है जो चावल के प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके कंट्रोल के लिए BHC है, एंडोसल्फान है, फॉस्मोमाइडोन है, इनका यूज कर सकते हैं। तो आपके जो फूड प्लांट का जो दूसरा टॉपिक था राइस, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मेज के बारे में पढ़ेंगे।